नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका अहम होने वाली है। यूक्रेन, अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों की निगाहें भारत पर आकर टिक गई हैं। रूस से भारत के नज़दीकी रिश्तों को देखते हुए यूएन समेत सभी पश्चिमी देश भारत से युद्ध समाप्त कराने की अपील कर रहे हैं। अब तक रूस से दूर रहने की सलाह देने वाला अमेरिका ने भी रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की भारत के दौरे के बीच अपील की है कि भारत अपने संबंधों का इस्तेमाल करते हुए रूस को यूक्रेन पर हमला करने से रोकने के लिए राजी करे। गौरतलब है कि कई दौर की वार्ताओं के बाद भी पिछले 38 दिन से रूस लगातार यूक्रेन पर हमलावर है। इस दौरान यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, वहीं हजारों लोगों की जान भी जा चुकी है। दुनिया भर के देशों की आलोचना और प्रतिबंधों के बावजूद रूस झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिकी प्रतिबंधों से नहीं झुकने वाले रूस के हमले रोकने के लिए अमेरिका ने रूस के मित्र देशों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अमेरिका ने भारत से भी अपील की है कि वे अपने संबंधों का इस्तेमाल करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हमला रोकने के लिए राजी करें। गौरतलब है कि अमेरिका ने यह अपील ऐसे वक्त में की है जब रूसी विदेश मंत्री सर्गेई इवानोव भारत के दौरे पर हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि विभिन्न देशों के रूसी संघ के साथ अपने संबंध हैं, यह न सिर्फ इतिहास बल्कि भूगोल की एक वास्तविक तथ्य है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह ऐसा नहीं है कि जिसे हम बदलना चाहते हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं कि भारत या अन्य देश भागीदार और दुनिया भर के सहयोगी देश, ये सभी यूक्रेन पर रूस के इस अनुचित आक्रमण व पूर्व नियोजित आक्रामकता के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें और हिंसा को समाप्त करने के लिए भारत सहित सभी देश मॉस्को के साथ अपने संबंध का लाभ उठाएं। तो दोस्तों, भारत के यूक्रेन के साथ और रूस के साथ क्या संबंध है, इस वार्ता से आपको पता लग गया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कमेंट्स अवश्य आएंगे, हमें कमेंट्स अवश्य करें। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।